नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वृषभ राशि वालों का आज का दिन यानी कि 3 दिसंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय श्री कृष्ण कमेंट कर दें। इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक आने वाले समय के दौरान नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आने वाले समय के दौरान नए काम को शुरू करने में आपका समय, आपका भाग्य, आपका साथ अवश्य देगा। मित्रों, आप में से जो भी जातक, जो भी दर्शक व्यापारी हैं, तो आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने काम काज में, अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, तो परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी आपका समय आपका साथ अवश्य देगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज्यादा बेहतर न ज्यादा खराब। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या हो, तो उस परेशानी को आपको खुद से खत्म करना होगा। लेकिन आने वाले समय के दौरान अगर आपके घर परिवार की बात करें, तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति परेशान हो, लाचार हो, बेबस हो, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपका पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। मित्रों, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 9 यानी कि 9। आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है क्रीम और सफेद। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि स्नान ध्यान करने के बाद आपके जो भी इष्ट देव हों, आपको उनकी पूजा करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय श्री कृष्ण कमेंट कर दें। धन्यवाद।